आओ और अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियां हों, आकाश के पक्षी हों, पृथ्वी के रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। ये है परमेश्वर की ओर से दी गई आशीषें। ये संसार हमारे सिर में ना बैठे, वरन हम संसार के ऊपर बैठ जाएं। ये दुनिया हमें ना चलाए पर दुनिया हमको चलाए। देखो बात एक ही है पर समझ में आती नहीं। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें इस पृथ्वी को वश में कर लेना है, ना कि जरूरतों के वश में चले जाना है। आज लोग न जाने कितने लोग कितनी चीजों के इतने अंधे हो गए हैं कि वह या तो हत्या कर सकते हैं या खुद प्राण दे सकते हैं। ये पागलपन जो दुनिया के अंदर समाया हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसी जानकारियां मिलती हैं कि हमको कोई और चलाने लगा है। आपको मालूम होवे जब पहले मनुष्य को परमेश्वर ने आशीष दी थी ना, उसके अध्यात्म दुनिया का हस्तक्षेप था। परमेश्वर उस पर नियंत्रण किए रहते थे, जिसके कारण से इस भौतिक संसार के ऊपर उसे विजय प्राप्त थी। हमारे जीवन से समाप्त होने लगता है तब हम इस संसार को अपने अधिकार में लेने के बजाय हम इस संसार की गुलामी में चले जाते हैं। यही अंतर है आध्यात्मिक दुनिया में और भौतिक दुनिया के अंदर में। इसलिए हर मनुष्य को इस संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक दुनिया के सत्य को जानना सबसे बड़ी जरूरत है। और यदि वह अध्यात्म में रुचि नहीं रखता है तो इस संसार से एक बार हार निश्चय है। हमारा भौतिक संसार में भौतिक वस्तुओं को पकड़ते पकड़ते पतन इंतजार कर रहा है, विनाश इंतजार कर रहा है। इसलिए हर मनुष्य की जो आवश्यकता होती है कि वह परमेश्वर को जाने, उसके सत्य को पहचाने और उसके काम करने के तरीके को जाने। यदि हम आत्मिक दुनिया के नियंत्रण में चले जाएं तो ये भौतिक दुनिया हमारा गुलाम बन जाएगी। यदि हमने अपना नियंत्रण परमेश्वर के हाथों से अलग कर लिया, ये दुनिया हमारे सिर के ऊपर में शासन करेगी। यही अंतर है आध्यात्मिक लोगों की और भौतिक लोगों के बीच में। और इसलिए समय समय पर इस प्रकार की सभाएं चलाई जाती हैं, जिससे कि परमेश्वर के सत्य का नियंत्रण मनुष्य के जीवन पर हो और वे संसार के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए एक ऐसी संपत्ति जो कभी नष्ट नहीं होगी उसको प्राप्त करने का प्रयास करता रहे। खैर ये तो बातें हैं, चलती रहेंगी। और हमें जानकारी मिली है कि इस 4 दिवसीय आध्यात्मिक सम्मेलन का एक विषय तैयार किया गया है और हम उन्हीं उसी विषय पर चलेंगे और उसी विषय पर बातचीत करेंगे। और वो विषय जो आपके पर्चे पर छापा गया है वह है दूसरा राजा की किताब, 2 Kings 2:13-14। दूसरा राजा की किताब और उसका दूसरा अध्याय उसका 13 पद से हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसने एलियाह की चादर उठा ली जो उसके ऊपर से गिरी थी और वह लौट गया और यर्दन के तीर पर खड़ा हुआ और उसने एलिया की वह चादर जो उससे गिरी थी पकड़कर जल पर मारा और कहा, एलिया का परमेश्वर यूं कहता है। जब उसने जल पर मारा तो वह इधर उधर दो भाग हो गई और एलिशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलियाह का जो आत्मा थी वही एलिशा पर ठहर गई। सो वे उससे मिलने आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत किया। यर्दन के इस पार एलिया है और यर्दन के उस पार भविष्यद्वक्ताओं की
एक बड़ी टीम है, 50 भविष्यवक्ता है। एलियाह ने स्वर्गीय अग्नि के रथ पर उठाए जाने से पहले जिस जगह का चुनाव किया, उसने यर्दन को अपनी चादर से ऐंठ करके मारी और वह दो भाग हो गया। तो एलियाह आगे गया, एलिशा ने बोला तेरा पीछा ना छोड़ूंगा, एलिशा भी उसके पीछे चला। ये दोनों महापुरुष हैं जो अब यर्दन को परमेश्वर की सामर्थ से दो टुकड़े करने के बाद जमीन ही जमीन आगे जाकर उस तरफ चले जाते हैं, बाकी सब लोग इस तरफ हैं। और इतने में एक अग्नि का बवंडर आता है और उसमें अग्नि का रथ एलियाह और एलिशा को अलग अलग कर देता है और एलियाह उस अग्नि के रथ पर विराजमान होकर के ऊपर उठा लिए जाते हैं। तब एलिशा पुकारते कहता है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। यदि आप इस दूसरे अध्याय को शुरुआत से पढ़ें तब वहां हमें देखने के लिए मिलता है, तब यहोवा परमेश्वर जो बवंडर के द्वारा स्वर्ग से जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलियाह और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल को चले। अब जरा देखिएगा, ये आज समय बनाने में हमारा समय खर्च हो जाएगा, सो हर बात को ध्यान से सुनिएगा। एलियाह ने एलिशा से कहा, मुझे बेतेल को, यहोवा मुझको बेतेल को भेजता है। एलियाह एलिशा को पीछे छोड़ देना चाहता है, एलिशा एलियाह को छोड़ना पसंद नहीं करता है, क्योंकि एलिशा ने ठान रखा था कि मैं एलियाह का अभिषेक लिए बिना नहीं छोड़ूंगा। ये एलिशा एलियाह के ऊपर रहने वाले पवित्र आत्मा के अभिषेक का भूखा है, प्यासा है। शायद इसीलिए इतने लंबे समय तक एलिशा एलियाह की भौतिक सेवा कर करके परमेश्वर को प्रसन्न करने के रास्ते का चुनाव किए हुए थे। और अब सारे दुनिया को जगजाहिर हो गया है कि एलियाह को परमेश्वर स्वर्ग में उठाने वाला है। ये बात एलिशा को भी मालूम थी। तब एलियाह इससे पहले कि अपना अभिषेक एलिशा को दे जाए, उसकी एक परीक्षा हो रही है। देखिए, आपकी भी परीक्षा होने वाली है। एलियाह ने एलिशा से कहा, मुझे यहोवा बेतेल को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरे रहे। परीक्षा भी जरा देखिएगा। एलिशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझको छोड़ने का नहीं। इसलिए वे बेतेल को गए, पहली परीक्षा में पास हो गया। तब बेतेल वासी भविष्यवक्ता के चेले एलिशा के पास आकर के कहने लगे, क्या तुझको मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर ऊपर उठा ले जाने वाला है? उसने कहा, हाँ मुझे यह मालूम है, तुम टेंशन मत लो। यह डिस्करेजमेंट है, मालूम है तेरा स्वामी जाने वाला, हाँ जाने वाला, टेंशन मत, अपना अपना काम कर, चलो। चिढ़ लिया। दूसरा टेस्ट, एलियाह ने उससे कहा, एलिशा यहोवा कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरियो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरे रहे। तीसरी परीक्षा, उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं नहीं छोड़ने का। सो वे यरियो को आए, जबकि वहां कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। यरियो व्यासी भविष्यवक्ता के चेले एलिशा के पास आकर के कहने लगे, तुझको मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझको मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यर्दन को भेजता है, तू यहीं ठहरे रहे। बार बार एलिया एलिशा का
एलिशा को कहता, मेरे पीछे मत आ, जब कभी कुछ मिलने वाला होता है ना, तब कुछ ना कुछ परीक्षाएं हमें उसे जो परमेश्वर की ओर से है पा लेने के लिए रुकावट के लिए रुकावट का कारण बन जाती है, कल काम आएगा ये। परंतु जो उस रुकावट के ऊपर अधिकार प्राके चल पड़ते हैं उनके लिए क्या होता है वो हम आत्मिक रीति से देखेंगे। यरदन को भेजता है, सो तू यहीं ठहरे रहे। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझको न छोड़ूंगा। सो वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसे दूर खड़ा हुआ और वे दोनों यरदन के तीर खड़े हुए और एलियाह ने अपनी चादर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग में हो गई और वे दोनों स्थल ही स्थल पार हो गए। अब 50 लोगों की टीम यरदन के इस पार है। प्रभु बहुत से गवाहों के द्वारा एलिया को उठाने वाला है, परंतु एलिशा उसका पीछे छोड़ने को तैयार नहीं। एलियाह ने चादर मारी और यरदन नदी दो भाग में बदल गई। अब ये अंतिम ड्रामा क्यों हुआ नहीं मालूम है, ये सातवां अद्भुत चमत्कार, यरदन का फाड़ दिया जाना एलियाह के द्वारा। अब दोनों के दोनों पार होकर के निकल गए और बाइबल कहती है कि उसके पार पहुंचने पर एलियाह ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं मांग ले। एलिशा ने कहा, मुझ तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए, सोना चांदी कपड़े लत्ते और कोई चीज उसने नहीं मांगी, वरन उसने मांगा कि जो अभिषेक, इसका मतलब है चादर का कहीं ना कहीं संबंध अभिषेक से, एनॉइंटिंग, और जो आत्मा तुझ में है उसका दूना भाग मिल जाए। एलियाह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। अब इसको भी अंडरलाइन करके रखिएगा, कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए। अब समझ में नहीं आता, जब उठा ही लिया गया तो बाद में क्या देखा जाएगा। उठा लिए जाने के बाद तू मुझे देखने पाए, कहां देखने पाए, जब उठा, जब आग के बवंडर ने आकर अग्नि में रथ में एलिया और एलिशा को अलग अलग किया, तो एलिया तो आग अग्नि के रथ पर बैठ करके गायब हो गया और इतनी रफ्तार के साथ में आकाश से ओझल हो गया और एलिशा चिल्ला के पुकार रहे, मेरे पिता हे मेरे पिता हे मेरे पिता। अब जब चला ही गया तो उसके बाद क्या देखना, यहां भी एक रहस्य याद रखिएगा। देखने पाए तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होने पाएगा। अब कौन सी चीज है कि मेरे उठा लिए जाने के बाद तू देखने पाए तो जो तूने मांगा है वह हो जाएगा, और यदि नहीं है, नहीं मांगा, नहीं तूने मेरे जाने के उठाए जाने के बाद वाला कार्यक्रम नहीं देखा तो ऐसा नहीं भी होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी ऑल्सो, ऐसा होगा नहीं तो नहीं होगा। और वे चलते चलते बात कर रहे थे और अचानक एक अग्नि के रथ और अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उसको उनको अलग अलग किया और एलियाह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलियाह देखता और पुकारता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल की रथो सवारो। और जब वह उसको फिर ना देख पड़ा, बस रुक जाइए, तो गायब हो गए, आकाश की तरफ देख रहा है, न एलिया ने हाथ रखा, ना फूक करके फूक दिया, ना कोई और कहा ले ले अभिषेक, ला मैं 5 मिनट घुटने टेक में प्रार्थना कर देता हूँ, ला तो जैसे शामुएल ने तेल डाला था मैं भी तेरे ऊपर डाल देता हूँ, ये डंडा मार दिया और कुछ उपद्रव कर दिया, ऐसा कोई भावातिक कार्यक्रम नहीं किया गया एलियाह के द्वारा एलिशा को अपना अभिषेक देने के लिए। जब
रथ ओझल हो गया। तब उसने नीचे झांक करके देखा कि एलिया का बागा पड़ा हुआ है। अब बात बागे की है, चादर की है, और उसे एलिया एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल की रथों और सवारों। जब वह उसको फिर ना देख पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े। अब ये वस्त्र फाड़ने का मतलब क्या है? और वस्त्र फाड़े और दो भाग कर दिया, लो अपने कपड़े फाड़ डाले उसने। फिर उसने एलिया है की चादर उठा ली, उठाई। ये है, यदि तू मेरे उठाए जाने के बाद देखता रहे, जब उठा लिया गया तो एलिया गायब हो गया, अग्नि में, रथों ने, आकाश गंगा में अपने आप को छुपा लिया और वह स्वर्ग पर चढ़ गया। तब एलिशा के पास एक दूसरा कार्यक्रम है, और वो कार्यक्रम ये है कि एलिया तो चला गया, तब उसको आइडिया नहीं था कि उसका कपड़ा गिर गया है। जब ऊपर देखते 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 अब क्या होगा बोल करके ऐसे चारों तरफ देखा होगा तो उसको उसका बागा दिखाई दिया, उसको चादर दिखाई दी, और उसने तुरंत चादर उठा ली। बात चादर की है, याद रखना। एलिया का जो संकेत एलिशा के लिए था, मेरे उठाए जाने के बाद यदि तू देखते रहे तो हो जाएगा तेरे लिए मेरे अभिषेक का दूना भाग, नहीं तो नहीं भी होगा। कई बार हम एलियाह को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, परंतु उसकी चादर को भूल जाते हैं। जिसने चादर भूल गया तो लिखा है ना भी हो, और यदि वो चादर उठा लेता है तो हो भी सकता है। इसका मतलब है एलिया का अभिषेक एलिशा को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। मिल सकता है इस शर्त पर कि उसके उठाए जाने के बाद वाली क्रिया अर्थात चादर के पकड़ लिए जाने का उद्देश्य, या ऐसा नहीं भी हो सकता है। हो सकता है वह अब तक एलिया के पीछे चलते रहा, पर वो चादर जो उसके ऊपर से गिरी, वो क्या सोचा, चादर क्या, ये तो रोज धोता था मैं इसकी। उसको यदि वो नजरअंदाज कर देता तो शायद एलिया का डबल हिस्सा एलिशा को नहीं मिलता। ये है एक व्यू रचना जिसके द्वारा हमको आने वाले संदेश में कई प्रकाश मिलेंगे। इसलिए अपने दिमाग को पूर्ण रीति से अटेंटिव रखना, कब कहां कौन सा रहस्य मिल जाए हमें भी आइडिया नहीं है, वो तो चलने के बाद ही समझ में आएगा। एलिया 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 का अभिषेक एलिया की चादर है। एलिया की चादर का सीधा सीधा संबंध एलिया के अभिषेक से है। और एलिया एलिया एलिया, आखिरकार एलिया ने इतना आतंक क्यों मचा रखा है बाइबिल के अंदर में? मूसा भी तो था, शामुएल भी तो थे, और भी तो थे, परंतु और किसी बात के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर एलिया की ही बातों को थोड़ा शुरू से लेकर आखिरी तक बार बार जोर देते रहे हैं। एलियाह को नए नियम में भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले तो इस एलियाह का विवरण पुराने नियम की आखिरी किताब, आखिरी अध्याय और उसके आखिरी पद में अर्थात मलाकी की किताब में एलियाह की चर्चा, इससे पहले कि पुराने नियम में आमीन मार दिया जाए, और मलाकी की किताब और यीशु मसीह की सेवकाई के पहले जो 400 साल का अंधेरा जिसमें परमेश्वर के बारे में बताने वाला ना कोई था, ना वाचा का संदूक था, ना नबी हुआ करते थे, ना राजा हुआ करते थे, और ना ही कोई आत्मिक संसार के बारे में बोलने बताने वाला होगा। लोग मनमानी अपने परमेश्वर को कहीं लकड़ में ढूंढ रहे थे, कोई पत्थर में घूम रहे ढूंढ रहे थे, कोई पाप में ढूंढ रहा था, कोई ऐसा आराम में ढूंढ रहा था। इंसान बिना चरवाहे की भेड़ के समान था। परमेश्वर के बारे में मनुष्य का कोई भी सटीक रास्ता नहीं था कि वह सत्य तक
पहुंचने के लिए कोई निर्देशक या सूचक उसको समझ में आता। इसलिए पहले पुराने नियम और नए नियम के बीच में एक पूरा की पूरा पन्ना कोरा रखा गया है, जिससे कि दोनों शास्त्रों को, नया करार और पुराने करार को अलग अलग किया जाए। एक बात याद रखना, यीशु मसीह ने उस सामरी और जरूशलेम से यरियो की ओर जाने वाले यात्री को जिसको डाकुओं ने मारा पीटा और उसके कपड़े अधमुए कर दिए, उसको अधमुए करके अर्थात कोमा में छोड़ करके उसके कपड़े भी छीन लिए, केवल चड्डी छोड़ रखी थी, बनियान भी ले गए। अब ऐसे कैसे छोड़ थे नहीं आता समझ में, नग्न छोड़ दिया। तब याजक ने देखा, अरे अरे अरे, मरने में कुछ मिनट निकल लो रास्ते से। लेवी ने भी देखा, कौन पंगा लेगा। सामरी रुक गया और उसने कहा, अरे 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 अरे, उसने उठाया और उठा करके खुद गधे से उतर गया। गधे में दो आदमी नहीं ना बैठ सकते, कोई घोड़ा होता तो निपटा भी लेता वजन इतना, परंतु गधा अकेला। सामरी नीचे उतर गया और उसने गधे पर बिठाल दिया कि लिटा दिया, क्या हुआ वो बात की बात है, और उसको भटियारे के पास ले गया हॉस्पिटल, और उसको कहा इसकी सेवा टहल करना। अब दो सिक्के दिए थे, ये जो दो सिक्के हैं ना, दो प्रकार के सुसमाचार, एक पुराने नियम का सुसमाचार और एक नए नियम का सुसमाचार। और इन दोनों सिक्कों को, इन दोनों सुसमाचारों को जोड़ने की कड़ी में मलाकी की किताब के आखिरी अध्याय की जो आखिरी किताब है, आखिरी अध्याय के आखिरी पद में अर्थात पांचवें पद में ये महाशय का चर्चा आ गया। इसलिए आप मलाकी की किताब पढ़ें और उसका चौथा अध्याय और उसके पांचवें पद में देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया है नबी को भेजूंगा जो उठा लिया गया है, और वह माता पिता की मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ये उसका मिशन है। अभिषेक का जो महत्व है, जो वैल्यू है, जिसके पीछे एलिशा दौड़ रहा है, जिस मिशन को लेकर परमेश्वर ने एलिया को धरती के अंदर भेजा था, वो यहां स्पष्ट होता है कि वह माता पिता के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को माता पिता की ओर फेरेगा। यह अपॉर्चुनिटी है, मौका है। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश कर डालूं। अब यहां पर बड़ी अजीब और गरीब भविष्यवाणी सामने आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पृथ्वी को सत्यानाश कर डालूं। नाश नहीं, नाश में कुछ बच जाता है, सत्यानाश में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है, संपूर्ण रीति से विनाश कर दिया जाना। बाइबल हमें बताती है पहली पृथ्वी जल में डूब करके नष्ट हो गई, परंतु दूसरी सृष्टि को परमेश्वर ने आग से जलाने के लिए रखा है। यह सृष्टि इसलिए जलाई जाएगी जिससे कि उसके दुष्कर्मों की सजा उसे मिले, ठीक है। दूसरा पत्रस की किताब और उसका तीसरा अध्याय और उसका छठवां पद, अब आपको पेन पेंसिल रख लेना चाहिए और उसको लिख लेना चाहिए, क्योंकि कौन सा पद हम पढ़ेंगे हमको खुद को आइडिया नहीं है। दूसरा पत्रस की किताब उसका तीसरा अध्याय और उसके छठवें पद में लिखा है, उसी के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब कर नाश हो गया, उसमें केवल एक ही प्राणी बचा था, नोहा और उसका परिवार, बाकी सब मर मिटे, यानी पहलवान, समझदार, राजा महाराजा सब। परंतु वर्तमान काल के आकाश, जो इस समय है, वर्तमान काल के आकाश
और पृथ्वी उसी जल उसी वचन के द्वारा जिस वचन के द्वारा पहला संसार जल में डूब करके नष्ट हो गया, वही वाला संसार जो नूह के बाद इस धरती पर फिर से कायम किया गया है, वो इसलिए रखा गया है कि वह भक्तिहीन मनुष्यों के, आप भक्तिहीन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बाद में काम आएगा, यह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। इसका मतलब है इस पृथ्वी का सत्यानाश निश्चय है, और इस पृथ्वी के सत्यानाश के पीछे एक महत्वपूर्ण काम है, भक्तिहीन मनुष्यों का न्याय, द जजमेंट, द जस्टिस अगेंस्ट द सिनर्स, दोज हु लिव ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, दे लिव लाइक अ सिनर। इस धरती के अंदर में रहने वाले लोगों के पाप के कारण परमेश्वर इस धरती को सत्यानाश करेगा। और आज आप जिस पड़ाव पर पड़े हैं, उस पड़ाव पर यदि बारीकी से खोज करके देखें तो जिस प्रकार से दानवीय तांडव आज हमारे देश में और संपूर्ण विश्व के अंदर में पाया जा रहा है, कोई मानव जाति में रखे रहने वाला नहीं रह गया। द वे पीपल आर लिविंग, आज चपरासी को बोलो ये टेबल में रहा, ये कागज को टेबल में रख देना, तो वो क्या बोलेगा? अपने को उसको बोलना चाहिए सर, मतलब चपरासी सर हो गए तो इसका सर क्या होगा, आप ही बताइए। उसको बाबू नहीं बोल सकते, चपरासी बोले तो कागज जाएगा ही नहीं। और वह है दरवाजे पर खड़े होकर के कहता है पंखा तेज चल रहा है, कागज उड़ जाएगा, आपको समझ गया होगा, मतलब चौखट में भी खड़े, अरे यहां कहां रे पंखा, अरे क्या सर आपको अभी भी समझ नहीं है, कागज वहां तक पहुंचाने के लिए भी ये समझ में आ गई। ऐसे शासन में क्या परमेश्वर आए तो लेके जाएगा किसको, हमको नहीं आता समझ में। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में चले जाइए, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में चले जाइए, चाहे आप प्रशासनिक क्षेत्र में चले जाइए, कोर्ट कचहरी में तो पैसा बिकता है, पैसा चलता है, न्याय थोड़ी ना चलता है, पुलिस में भी न्याय नहीं चलता, वहां डंडा चलता है, नोट चलते हैं, हत्या करके आओ बाइज्जत बरी कर देंगे हम काले कोट वाले। कहने का मतलब है जिस तरीके से आज इस पृथ्वी के अंदर में अधर्म का बोलबाला है, यह सृष्टि भी अनाज उगाने को तैयार नहीं। जब तक केमिकल वाला सोडा या पेस्टिसाइड नहीं डालेगा, ये जमीन कहती हम नहीं उगाएंगे तुम्हारे लिए भोजन, मर जाओ भूखे। ये भी रिश्वत लेने में खड़ी हुई है जिस पर तुम बैठे हो। गोबर की खाद से कुछ होता ही नहीं, जब तक तुमको उसमें सोडा, जब तक उसमें केमिकल नहीं डाला जाएगा तो आप सब्जी थोड़े ना खाते, केमिकल ही ना खाते हैं, मतलब मौत को ही ना नयता दे रहे हैं। कहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, कहां पर अत्याचार नहीं है, क्या हो रहा है आज देश के अंदर में? कोई किसी की हत्या कर रहा है कुर्सी के लिए, कोई किसी के प्राण दिए दे रहा है, इधर भूखा मरने वाला भूखा मर रहा है, करोड़ों अरबों और खरबों रुपए का व्यापार कुर्सी के लिए चल रहा है, ऊपर वाले की आंख में कोई मोतियाबिंद तो हो नहीं गया। जरा अच्छे से समझ लीजिएगा, बाइबिल का परमेश्वर कहता है ये पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी गई है, और इस आग से जलाने का उद्देश्य होगा भक्तिहीन मनुष्यों की अभक्ति के कारण, उनके अपराध के कारण। उस युग में भी जब नूह को परमेश्वर ने जहाज में ले लिया था ना, इस पृथ्वी के अंदर मानव इतना बिगड़ गया था, पशु लोग इतने बिगड़ गए थे, समझ में नहीं आता पशु कौन सा वाला पाप करते थे, जहां मनुष्य बिगड़े तो बिगड़े ही बिगड़े भाई, पड़ोसन को लात मार रहा है, आंख मार रहा है, परंतु ये पशु लोग क्या करते थे जिसके कारण से पशुओं को भी उसने प्राणदंड देने का फरमान निकाल लिया। खैर वो एक अलग विषय है। हमारे लिए बाइबिल का परमेश्वर कहता है इससे पहले कि मैं सत्यानाश ले आऊं, क्योंकि सत्यानाश का जो आधार है वह अधर्म के काम, पाप, बुराई,
और इसी कारण से परमेश्वर उस अधर्म से कुछ लोगों को बचा लेने के लिए, उस सत्यानाश से कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के पहले कुछ लोगों को विनाश लीला से बचा लेने के लिए परमेश्वर एक उपाय कर रहे हैं, और वो उपाय है एलिया। एलिया को मैं भेजूंगा। हे प्रभु, तूने तो उसको उठा लिया है ना, हाँ तो क्या हो गया, मैं उसको भेजूंगा। ये है पुराने नियम के अंतिम किताब की अंतिम अध्याय के अंतिम पद में कि मैं एलिया नबी को भेजूंगा। इतनी बड़ी भूमिका अदा करते हैं बाबा एलिया, अच्छे से याद रखिएगा। ये केवल पुराने नियम में ही इनका अध्याय बंद नहीं हो जाता है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई का प्रारंभ हुआ तो 400 साल के डार्क पीरियड में, जब ना तो परमेश्वर का नाम कोई लेता था, ना परमेश्वर के बारे में बताने वाला था, ना कोई नबी थी, ना कोई मंदिर था, और ना ही कोई ऐसी बात थी, सब कुछ विनाश लीला पर था, लोग निष्ठुर और कठोर हो गए थे, पवित्र आत्मा की काम का, भविष्यवक्ताओं का, शिक्षकों का पतन हो गया था। 400 साल में 70 साल की पीढ़ियों को यदि आप देखें, तीन पीढ़ियां मर करके जिंदा हो गई, नहीं कितना हो गया, 70 से 70, 7 पीढ़ियां गुजर गई। इस तरीके से दुनिया में लोग पैदा होते थे बिना परमेश्वर के, मर जाते थे, पैदा होते थे मर जाते थे, पैदा होते थे मर जाते थे, कोई परमेश्वर के बारे में सच्चाई नहीं जानता था, जिसको जो समझ में आया। और अचानक प्रभु यीशु मसीह यदि सुसमाचार सुनाना शुरू भी कर लेते तो कौन मानने वाला था, कौन सुनता उनका, क्योंकि कोई तो गोटा के पीछे जा रहा है, कोई बलिदान के पीछे जा रहा है, कोई पेड़ के पीछे जा रहा है, कोई नदी के पीछे जा रहा है, कोई न जाने कौन कौन से उपाय से परमेश्वर परमेश्वर के नाम से उसको पुकार रहा है। कोई बाल के पीछे गया, कोई अशेर के पीछे गया, कोई मिट्टी के पीछे गया, कोई सूरज के पीछे, कोई चांद के पीछे गया, ना जाने कितनी कितनी सृष्टि की वस्तुओं को उन्होंने सृजनहार के रूप में पूजना और आराधना शुरू कर दिया था। यह था एक डार्क पीरियड, और उसमें अचानक आत्मा की आवाज धरती पर आ जाए तो लोगों को सहन नहीं ना होगा। इसलिए उन्होंने इससे पहले कि परमेश्वर की एक नई आवाज छुटकारे की, विनाश लीला के लिए, विनाश लीला से बचने के लिए उपाय परमेश्वर से करे, यीशु की सेविकाई के पहले परमेश्वर ने एक नबी को इस धरती के अंदर पैदा करने का निश्चय किया। यदि आप लूका रचि सुसमाचार के पहले अध्याय में आ जाएं, तो वहां पर एक दर्शन मिलता है। 13वें पद में लिखा है, और स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशबा के लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम तो यहोन्ना रखना, और वह और तुझे आनंद और हर्ष होगा। अब जरा देखिएगा उसका जो काम होगा ना वो क्या होगा, और तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। क्यों? क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा ना पिएगा, और अपने माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। अब उसका अगला काम क्या है, 16वें पद में अंडरलाइन कीजिएगा, बाद में काम पड़ेगा ये, और इसराइलियों में से बहुतेरों को प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। तो इसराइलियों में से बहुतेरों को प्रभु परमेश्वर की ओर फेरने के लिए वह कैसे योग्य होगा, कैसे सक्षम होगा? तब उसमें लिखा है, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके अर्थात उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आगे आगे चलेगा। उसका और अगला काम क्या है, पितरों के मन को लड़के वालों की ओर फेरेगा,
और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अंडरलाइन तो कर ही लीजिएगा, और हमारे पीछे सब लोग बोलिएगा, और सब लोग बोलिए ना जोर से, और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, जोर से बोलिएगा, और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ में लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। कई लोगों ने कसम खा लिया है नहीं बोलने वाला, इधर होंठ ही नहीं हिला रही है, इनको भात नहीं देना है जो जो बोले नहीं। सब लोग फिर से बोलिएगा, ठीक है ना, आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ में लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हाँ बस हो गया, ये है एलियाह के अभिषेक के अंदर पाया जाने वाला कार्यक्रम। एलियाह के अभिषेक में ये घटनाएं घटित होती हैं कि वो माता पिता के मन को लड़के वालों की ओर फेरेगा, और लड़के वालों के मन को माता पिता की ओर फेरेगा, और जो आज्ञा नहीं मानते हैं ना उनकी समझ को वह धर्मियों की समझ में लाएगा, और प्रभु के योग्य प्रजा तैयार करेगा। यह है उस अभिषेक का कमाल जो एलिया के ऊपर था। जरा देखिएगा, उस अभिषेक का परिचय देने के लिए परमेश्वर एलियाह के अभिषेक की बात करता है। एलियाह नबी को भेजूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि एलिया आएगा जो रथ में बैठ के गया था वो फिर से रथ में बैठ के आएगा तो आप देख लीजिएगा अग्नि का बना हुआ होगा, ना रे बाबा ना, एलिया तो गया सो गया ही गया, परंतु उसने एक बात बोला था, मेरे उठाए जाने के बाद यदि तू मुझको देखता रहे। अब मुझे समझ में नहीं आता कि एलिया के उठाए जाने के बाद एलिशा देखता भी तो क्या देखता, बादल ने तो उसको छुपा लिया ना, परंतु एलिया के बारे एलिया कहते हैं एलिशा से, मेरे उठाए जाने के बाद भी यदि तू देखता रहे, क्या देखे, अरे चादर देखे और क्या, मैं गया ऊपर, अब मत सोचना कि मैं जिस देह में गया हूं उस देह में वापस आऊंगा, परंतु मेरा अभिषेक मैं इस धरती पर छोड़ जाता हूं, मैं तो जाता हूं, अर्थात जिस अभिषेक के द्वारा मैंने एलियाह के द्वारा 7 अद्भुत चमत्कार किए गए, उस 7 अद्भुत चमत्कारों का रहस्य एलियाह के नाम से पहचाना जाता है। मिस अंडरस्टैंडिंग में मत रहिए, कई बार अर्धज्ञानी और जो चिंतन मनन नहीं करते हैं उन लोगों का विचार ऐसा, क्या एलिया की आत्मा आएगी, तो फिर भैया कई संतों की आत्माएं आती होंगी, जैसे आजकल बहुत से भगवानों की आत्माएं समझ आती है ना, ऐसा एलिया की भी आत्मा समझ आएगी, प्रभु का अर्थ वो नहीं है। एलिया एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की अपनी खुद की आत्मा है जिसको ह्यूमन स्पिरिट कहते हैं। तो जब एलिया की आत्मा बोले तो एलिया का जो ह्यूमन स्पिरिट है, जो मनुष्य की आत्मा है, उसका संबंध है एलिया की स्वयं की मनुष्य की आत्मा से नहीं है, वरन एलिया के ऊपर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक ठहरा रहा था, उस एलिया के ऊपर ठहरे रहने वाले अभिषेक को एलिया के नाम से पुकारा जाता है। इट्स एनॉइंटिंग, अच्छे से याद रखिएगा। अब जब कभी भी एलिया बोले तो वो व्यक्ति नहीं है जो हाड़ मास का धरती पर आया था, उसी हाड़ मास वाले व्यक्ति को अग्नि के रथ पर उठा लिया गया था। उस हाड़ मास के अंदर में एक आदमी रहता था जिसका नाम एलिया है। जब एलिया का अभिषेक बोले तो वो हाड़ मास के अंदर में रहने वाला ह्यूमन स्पिरिट या मनुष्य की आत्मा नाम की आत्मा नहीं है, वरन जिस आत्मा ने एलियाह को 7 अद्भुत काम करने के लिए अधिकार दिया, वो आत्मा एलियाह के नाम से जानी जाती है।
अर्थात जिस प्रकार से सात अद्भुत काम करने के लिए परमेश्वर ने एलिया के ऊपर पवित्र आत्मा को, जो परमेश्वर का आत्मा है, उसको भेजा था, वैसा वाला आत्मा उसी के नाम से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर भी आया। तो एलिया सवार नहीं हो गया था उस पर, नहीं तो बोलेंगे लिए इस आत्मा के अंदर में कोई दूसरी आदमी की आत्मा है, इसलिए डबल आत्मा हो गई। ना रे बाबा ना, वो तो पचेशन हो जाएगा। वो तो आज बहुत से लोगों के अंदर फलाने की आत्मा आती है, हमके की आत्मा आती है, ढमके की आत्मा आती, कोई कान खड़ा करता, कोई जीभ निकालता, कोई पैर पटकता, कोई सांप की जैसे चलता, ये सब दुष्ट आत्माएं हैं। मनुष्य की आत्मा के अंदर में बैठ जाती हैं और उस तरीके से वे ईश्वर का स्थान ले लेती हैं। सो जरा सावधान रहिएगा आत्मिक मामले में। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने आप में एक हाड़ मांस का आदमी है, उसकी अपनी एक बुद्धि है, उसके अंदर एक मनुष्य जिसको यूहन्ना कहना चाहिए, उसकी आत्मा निवास करती है। पर इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर के नियंत्रण में है, जिस पवित्र आत्मा को विशेष काम करने की अनुमति दी जाती है, वो वाले काम यदि करना है तो इस प्रकार की आत्मा का अभिषेक यदि भेज दिया जाएगा तो वे काम घटित होने लगेंगे। जब कभी किसी के ऊपर पवित्र आत्मा का भविष्यद्वक्ताई अभिषेक होता है तो केवल वो भविष्यवाणी कर सकता, उसकी बीवी नहीं कर सकती। चलो रे, अपने परिवार में अभिषेक आया इसलिए जितने हैं सब लोग वही करने लगे, ना 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 ना, जिसके ऊपर अभिषेक होगा वही भविष्यवाणी करेगा, जिसके पास चंगाई का वरदान होगा वही चंगाई करेगा, जिसके पास ज्ञान का वरदान होगा वही ज्ञान का वरदान काम में ला सकता है, उसके परिवार के लोग नहीं कर सकते। चाहे वो बीवी को कितना ही प्यार करे, वो अपना वरदान अपनी बीवी को बांट नहीं सकता, क्योंकि वो उसके ऊपर है या उसके अंदर है। और आपको मालूम है पवित्र आत्मा का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में रहता है, याद रखें। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक हाड़ मांस का आदमी, जिसकी अपनी बुद्धि, चाहे वह अंग्रेजी बोलता हो या हिंदी या मलयालम या मराठी, आज के तार में बोल रहे हैं, वह 11वीं पास हो या 12वीं पास हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु उसके ऊपर पवित्र आत्मा का नियंत्रण, जो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है, उस पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर वे घटनाएं घटित होने लगती हैं, जिस प्रकार का अभिषेक उसको दिया गया है। अच्छे से याद रखें, जो पवित्र आत्मा के अंदर वरदान नहीं है और यूहन्ना उसको काम में लाना भी चाहे तो उससे वो वरदान ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि उस आत्मा को वो वाला काम करने की अनुमति नहीं है जिसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला करना चाह रहा था। इसलिए अभिषेक के द्वारा वो व्यक्ति जिसके ऊपर अभिषेक रहता है, उस मिशन को पूरा करने के लिए पावर, शक्ति और अधिकार पा लेता है। जी हाँ, इसलिए यूहन्ना के पास एक मिशन था, एक उद्देश्य था कि वह प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के पहले रास्ते का तैयार करे, राजमार्ग तैयार करे, लोगों को आज्ञा नहीं मानने वालों को धर्मियों की समझ में लेके आए, माता पिता के मन को पुत्रों की ओर, पुत्रों के मन को माता पिता की। देखो पुराने नियम में मलाकी की किताब में किस तरीके से जो बातें कही गई थी, मैं अंत के दिनों में एलिय्याह नबी को भेजूंगा और वो जब आएगा ना तो वह माता पिता के मन को पुत्रों की ओर, पहले माता पिता लिखा है, माता पिता के मन को पुत्रों की ओर, ये कोई भौतिक माता पिता नहीं है जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, माता पिता का सीधा संबंध परमेश्वर से है और पुत्रों का संबंध हर मानव से है, चाहे आप किसी भी जाति भाषा समुदाय संप्रदाय में जन्म लिए हैं। इफ यू आर ए ह्यूमन बींग दैट मीन्स यू आर रिलेटेड विद द सन्स, पुत्रों की ओर तुम्हारा जुड़ाव है, याद रखिएगा। परमेश्वर किसी जाति का नहीं है, परमेश्वर मानव का है। अब भले ही तुम धर्म के द्वारा परमेश्वर को विभाजित कर दो, यह हमारी अज्ञानता और ओछापन है, परंतु परमेश्वर अरम धर्म को नहीं जानता, देश वेश की सीमाएं बाउंड्री तुम बनाओ, मैं तो पृथ्वी को देखता हूं,
इसलिए उसकी सात आंखें हैं, वह सात आंखों से देखता है, और जरुबाबेल के हाथ में वो उलूम डाल देता है, तुक कट्टा जिसको बोलते हैं साहुल डाल देता है, दे देता है, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब यह हो गया कि परमेश्वर जब कभी भी अपना ध्यान मनुष्य की ओर लगाए और मनुष्य का ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए, तो जिस अभिषेक को वह एलिया के ऊपर भेजा था, उस अभिषेक का परिचय एलिया के नाम से दिया जाता है। जब कभी भी एलिया बोले तो पिता का मन पुत्रों की ओर, पुत्रों का मन पिता की ओर, अर्थात आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ में लाके खड़ा करे, इस महान आत्मिक काम को पूरा करने के लिए जिस पवित्र आत्मा के आंदोलन को शुरुआत किया जाता है ना, उसको एलिया के नाम से पुकारा जाता है। यहोन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय, लोग यहोन्ना के पास आके कहने लगे, कैसा तेरा परिचय देगा क्या? 20वें पद में लिखा है, यहोन्ना की यह गवाही है 19 में कि जब यहूदियों ने जरूशलेम से जो याजक और लेवी को उससे पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीहा नहीं हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तब उन्होंने पूछा, तो फिर तू कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं हूं। तू क्या भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तू है कौन? तू मैं राजमार्ग तैयार करने वाला। उसने उससे कहा, जैसे 23 पद में यशया भविष्यवक्ता ने कहा था, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सुधारो। दिस इज द एनॉइंटिंग ऑफ एलाइजा, प्रभु के लिए राजमार्ग तैयार करना, टू प्रिपेयर द वे फॉर द लॉर्ड। ये है वो एलिया। यहोन्ना ने इनकार कर दिया, मैं एलिया नहीं, वो तो हाड़ मास के साथ में ऊपर गया। ऐसा जरूर है कि उसके ऊपर जिस पवित्र आत्मा ने रह करके काम किया, वो मेरे ऊपर में भी है। इसलिए यहोन्ना की लूका की किताब में सीधे सीधे भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वह एलिया के आत्मा और सामर्थ में होकर चलेगा, कोई एलिया उसके अंदर नहीं समा जाएगा। वरन जिस आत्मा ने एलिया को काम में लाया, वही आत्मा यहोन्ना को उसी रीति से काम में लाएगा जिस रीति से एलिया को काम में लाया था, और एलिया को जिस आत्मा ने काम में लाया था, उसका काम था कि पिता के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को पिता की ओर फेर दे, और जो नहीं मानते हैं ना परमेश्वर की बात को, उनको धर्मियों की समझ में ला करके खड़ा कर दे। ये था उनका मिशन, जैसे याद रखिएगा। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। थोड़ा शुरुआत में थोड़ा तितर बितर लगेगा, परंतु धीरे धीरे जब गाड़ी पटरी पर आ जाएगी ना, पहले गियर में तो पेट्रोल ज्यादा लगता ही लगता है, और धीरे चलती है गाड़ी, और धड़धड़ धड़धड़ भी करती है। जब हवाई जहाज जमीन में दौड़ता है ना, तो पूरे पंखे डंके टुकड़ 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 थक छकड़े के समान हिलते हैं, परंतु जिस समय वह धरती छोड़ देता है तो हिलना डुलना बंद हो जाता है, और ऐसे लगता है बस, आपको मालूम होगा। फिर कहने का मतलब यह है, आज ऐसा जरूर लगेगा, अंकल जी आप कौन सा सिर दर्द वाली बात बता रहे हैं। अरे भाई, दूसरा दिन भी तो आने दो, अभी है ना 3 दिन, और अभी तो गोली लोड ही हुई है, अपन ने घोड़ा दवाए कहाँ है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि प्रभु एलिया को जिस आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करता है, उसी आत्मा के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कहाँ उपयोग में लाने के कारण, वे सारे लक्षण जो एलिया की सेवा के अंदर दिखाए गए थे, वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई में दिखाई देने लगते हैं, बिकॉज ऑफ द एनॉइंटिंग। हाँ, और ये एनॉइंटिंग है कहां पर? बागे में, चादर में। मेरे उठाए जाने के बाद गया मेरा हाड़ मास, तू मेरे पीछे मत जा, मेरे ऊपर जो अभिषेक था उसी के पीछे जा। तूने मांगा जरूर ठीक बात है,
कि एलिया का डबल पोर्शन, तेरे अभिषेक का डबल हिस्सा मुझको मिलना चाहिए। इलिशा तूने बिल्कुल टारगेट बहुत अच्छा चुना है, परंतु टारगेट पर गोली लगने से पहले तुझको क्या क्या करना पड़ेगा ये तो तुझको समय बताएगा, ये मैं एडवांस में तुमको नहीं बताने वाला हूं। इसलिए कलीसिया के लोगों, परमेश्वर को समझना एक भेद है, परमेश्वर की योजना को समझना एक रहस्य है, वह खुली किताब नहीं है। इसलिए कुलूसियों की किताब में और उसके तीसरे अध्याय में और 1, 2, 3 और 4 में बाइबल कहती है, तुम तो मसीह के साथ जिलाए गए, इसलिए पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तुम तो मर गए परंतु तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। परमेश्वर के अंदर वो रहस्य पिता ने छुपा, यीशु मसीह ने छुपा दिया है और उस रहस्य को खोज निकालना पड़ेगा। वो प्रत्यक्ष नहीं है, एक तो मसीह गए ऊपर, हमारा जीवन भी ले गए साथ में, और उन्होंने पिता के अंदर छुपा दिया, 5, 4 पद में लिखा है, और उस पिता के अंदर छुपे हुए मेरे जीवन को खोज निकालना ये मेरी जरूरत होती है। इसलिए परमेश्वर रहस्य है, खोजने की चीज है। ये नहीं है कि गए गंगा ढूंढ आए, वहां की नदी पहाड़ ढूंढ करके घूम करके आ गए, वो कोई भौतिक नहीं है, वो आत्मिक है, उसको खोजना पड़ेगा। यहां पर परमेश्वरत्वता खोजी जाने वाली चीज है, और जब तक ये रहस्य खोजा नहीं जाएगा, जब तक ये रहस्य खोजा नहीं जाएगा परमेश्वर तुम्हें नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। जी हाँ, अब हमारे लिए थोड़ा सा समय और बचा है रहस्य उसको समा बनाने के लिए। अब हम एलियाह की जो सेवा है उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे, और आज के तार में किस तरीके से ये अभिषेक हम पर लागू होगा। यदि ये चादर हमारे पास है तो उससे क्या फायदा होगा हमको, और यदि ये चादर हमारे पास नहीं है तो उससे क्या नुकसान होगा। एलियाह ने एलिशा को साफ कह दिया था, यदि मेरे उठाए जाने के बाद तू मुझको देखता रहे तो हो सकता है, नहीं तो नहीं भी हो सकता है। यदि आज के तार में कलीसिया ने एलियाह के पीछे छुपे हुए अभिषेक को जो चादर के अंदर छुपा हुआ है नहीं पहचाना, तो ऐसा हो सकता है ऐसा ना भी हो जो एलिया के एलिशा के साथ होने वाला था, पर ऐसा हो भी सकता है। यस, इसलिए बाइबल कहती है, इससे पहले कि मैं इस सृष्टि को विनाश के खड्डे में डाल दूं, मैं इस पृथ्वी का सत्यानाश कर दूं, एलियाह के अभिषेक की जरूरत हर एक उस व्यक्ति को है जो विनाश लीला से बचना चाहता है। इसको पत्थर की लकीर बना लीजिएगा, यदि किसी भी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एलियाह के अभिषेक का बहिष्कार किया तो ऐसा हो सकता है तुम्हारे पास प्रभु होगा, ऐसा हो सकता है आपके पास में जीवन होगा, आपके पास में दान होंगे, वरदान होंगे, बाइबिल का ज्ञान होगा, EHD, PhD, CHD सब होगी, परंतु यदि एलिया के अभिषेक को बहिष्कार कर दिया कलीसिया ने तो ऐसा भी हो सकता है कि विनाश लीला के पहले जो कार्यक्रम परमेश्वर एलिया के अभिषेक के द्वारा हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारे परिवार समाज में, हमारे प्रांत देश में जो कुछ भी करना चाहता है, यदि परमेश्वर को काम करने नहीं दिया गया ना एलिया के अभिषेक के अंतर्गत, तो विनाश लीला को हमारे दरवाजे में खटखटाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये आपकी चॉइस नहीं है, देयर इज नो एनी चॉइस फॉर द ह्यूमन बीइंग। आप उसको चुने या ना चुने,
नहीं चुनोगे तो विनाश दरवाजे पर खटखटाएगा, और यदि तुम उसका चुनाव करते हो तो सुनिश्चित परमेश्वर आपको विनाश से बचा सकता है। इसलिए बाइबिल में उसने पुराने नियम को समाप्त करने से पहले यह कह दिया था, इससे पहले कि मैं आकर के पृथ्वी को सत्यानाश कर डालूं, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, एलिया के अभिषेक का आदर करो। केवल यही अभिषेक होगा जो तुम्हारी जिंदगी को विनाश से बचा सकता है, नहीं तो विनाश सुनिश्चित है। यीशु मसीह जिसने अपने प्राण देकर के तुमको बहुमूल्य लहू से खरीद लिया है ना, वो भी हाथ धो के कहेगा शायद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। नो अदर वे। कोई डॉक्ट्रिन लागू नहीं होगी, जो बाइबिल में लिखा है वही चलेगा। आपके मानने और नहीं मानने से बाइबिल की सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता है। बुद्धिमानी इसलिए है, बुद्धिमानी इसी में है कि परमेश्वर के दिल की धड़कन पवित्र आत्मा के प्रकाश में बाइबिल के आधार पर समझ लेने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमानों के लिस्ट पर रखा जाएगा। नहीं तो हमारी वो नाव है जिसमें ऑलरेडी बड़े बड़े छेद हैं और नाव हमारी मझधार में खड़ी हुई है। जरा देखिएगा एलिया, क्योंकि हमें आज समय के पाबंद होना है, इसलिए राइट टाइम हम खत्म कर देंगे, बाकी कल देखेंगे। आज थोड़ा फूल हार माला में गया हमारा समय। तो कहने का मतलब यह हो गया कि एलिया बाबा हमें धर्मियों की समझ में लाने वाला काम करेंगे। अब जब कभी भी एलिया बोले तो वो एलिया नहीं जिसकी दाढ़ी थे बाल थे, एलिया बोले तो पवित्र आत्मा का एक सर्टन, एक विशेष कामकाज पूरा करने वाला सामर्थ, अधिकार, अभिषेक। ठीक है कि नहीं? अब थोड़ा सा और समय बना लें। आखिरकार एलिया बाबा की जरूरत इस पृथ्वी को क्यों पड़ी? किस माहौल में परमेश्वर ने वो हड्डी हाड़मास वाले एलिया को नबी बना के धरती पर भेजा था? आखिरकार परमेश्वर को एलिया जैसे नबी को धरती पर पैदा करने की जरूरत क्यों पड़ी? अब हमें एलिया के द्वारा घटने वाली उन तमाम घटनाओं को वन बाई वन थोड़ा विचार करते रहना पड़ेगा। आपको जानकारी मिले, परमेश्वर पिता ने इज़राइलियों को मिस्र देश की गुलामी से एक ही रात में छुटकारा दिला के बाहर लाया, और जब वो बाहर आए तो 2 महीने 15 दिन के बाद वो सीन नाम जंगल में पहुंच गए, और वहां से प्रतिज्ञा का देश केवल 20 दिन में 12 लोग जाके लौट आए। तित्री मुर्गी से जाते तो 40 दिन पूरे कारवे के साथ सर्कस के साथ जाने में लगता, परंतु इसराइलियों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। बोले रास्ते में अकान वंशी यहोशु कालेब का स्टेटमेंट था, चिंता मत करो अकान वंशी होंगे, अपने घर के होंगे। तुमने देखा नहीं कि फिरौन की पूरी प्रजा को बपतिस्मा देने के लिए अंदर ले आया, उनका बप तो हुआ परंतु तिस्मा नहीं हुआ। हम तो बपतिस्मा लेके बाहर आए, हम तो डूब करके निकल आए, परंतु फिरौन की प्रजा डूबी तो निकल के बाहर नहीं आई, उनकी डेड बॉडी उफलते रही इधर उधर पर। याद रखिएगा, जब परमेश्वर मिस्र को भारी मार से मार करके तुम्हें बचा लेता है तो काकान वंशी कौन सी बड़ी चीज है? परंतु इजरायली लोग सारी रात रोते रहे यहोशू कालेब और मूसा के विरुद्ध पत्थरवाह करने के लिए खड़े हो गए। तब जाके परमेश्वर ने अपने तेज से तीनों को सेफ किया, नहीं तो ये तो उनका खेल कर दिए होते थे। पूरी बातें खोल के बताने के लिए टाइम नहीं है, याद रखिएगा। आखिरकार परमेश्वर ने मूसा
यहोशू और कालेब की रक्षा के लिए यहोवा का तेज चमका, तब जाके डर के खड़े रहे, नहीं तो ये तो बेचारे पत्थरवाह कर देते थे। तब परमेश्वर ने कहा, मेरे अभिषिक्तों के खिलाफ तुमने युक्ति की है, मूसा तू उनमें से अलग हो जा, यहोशू और कालेब तुम तीनों अलग हो जाइए, और मैं पल भर में इनका खेल कर दूंगा, इनका केक बना दूंगा। तब मूसा ने परमेश्वर के सामने जाके कहा, परमेश्वर ऐसा मत करना, क्यों दिमाग खराब मत करो, अब तो क्या मलहम लगाने आया है, तेरे ऊपर उंगली उठाने का मतलब मेरे ऊपर उंगली उठाने का कारण होता, मालूम है क्या तेरे को? हाँ, मैं तेरे नहीं नहीं अभिषेक का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, याद रखना। तब मूसा कहते हैं, हे प्रभु तूने निकाला ना मिसर से तो इतिहास में लिखा जाएगा, हाँ मालूम है मेरे को, तू यहां तक लाया वो भी इतिहास में लिखा जाएगा, वो भी मालूम, और तू यहां लाके उनको मार डालेगा वो भी इतिहास में लिखा जाएगा, और फिर दुनिया नीचे कमेंट करके लिखेगी तेरे इतिहास में, यहोवा को निकालना आता है परंतु पहुंचाना नहीं आता, इसलिए ऐसा यहोवा फेलुअर यहोवा है, हे प्रभु अपनी तो इज्जत देख। तब परमेश्वर ने कहा, सही बात है रे बाबा, मैं तो सोचा ही नहीं था, ऐसे काउंसलर चाहिए परमेश्वर को जो खुदा के दिमाग को भी ठिकाने लगा दे। तब परमेश्वर ने कहा, कोई बात नहीं, इकट्ठा नहीं मारूंगा पर इंस्टॉलमेंट में मारूंगा, पर मारूंगा जरूर, याद रखिएगा, हम परमेश्वर की गति बदल सकते हैं पर उसके निश्चय को नहीं बदल सकते। चलिए सर, हमें राहत जरूर मिल सकती है। सो परमेश्वर पिता ने इसराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाला, और इस मिस्र देश की गुलामी से निकालने के लिए उसने एक महत्वपूर्ण त्योहार, जो आपको बाद में समझ में आएगा, देखो आज हम केवल समय बना के खत्म कर देंगे, एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाने की नींव डाली, जिसको निर्गमन की किताब के 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। आज हम बहुत चिंतन मनन कर रहे थे इस पर, निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय जल्दी से हम पढ़ेंगे, 7 मिनट में हम खत्म कर देंगे। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अभी तक कैलेंडर नहीं था, ये कैलेंडर की शुरुआत हो रही है, और वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। जब बात परमेश्वर की ओर से मूसा और हारून के सामने रखी गई कि मैं अपने लोगों को मिस्र देश की गुलामी से आजाद करूंगा, यह फरमान जिस दिन इज़राइल के पास पहुंचा उसी दिन से वर्ष का पहला दिन कैलेंडर की शुरुआत हो गई। इज़राइल की सारी मंडली से यह कहो, इसी महीने के जैसे जिस दिन तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन पहुंचा वो पहला दिन हो गया कैलेंडर का, यहां से दिन सप्ताह माह वर्ष शुरू होंगे, और पहला महीना जब संदेश तुम्हारे पास पहुंचा, अब से लेकर 10 दिन तक तुम अपने अपने पितरों के घराने के पीछे एक एक मेमना ले लेना, जरा देखिएगा, और यदि किसी घराने में मेमना खाने के लिए मनुष्य कम हो तो पड़ोसी के साथ साझा कर लेना। तुम्हारा मेमना निर्दोष पहले वर्ष का नर, चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरी में से लेना, भेड़ों में से लेना तो मेंढा होगा, बकरी में से लेंगे तो बकरा होगा, मेंढा और बकरा, ये मेंढा बकरा याद रखिएगा, बाद में काम आएगा। मेंढा बोले तो इजरायली, बता ही देते हैं, लिख लो, मेंढा बोले तो इजरायली और बकरा बोले तो इस्माइली, अब्राहम की दोनों संतानें, एक रजिस्टर्ड है और एक अनरजिस्टर्ड है, जिससे मुसलमान बने ये बकरे, इसलिए वो बकरीद मनाते हैं, बकरा काटते बकरी नहीं काटते, याद रखना। चलिए सब अपने भाई हैं, चिंता मत करो, एक दिन वे भी हमारे साथ होंगे, भले ही आपको डर लगता होगा। एक मेमना लेना, चाहे वह भेड़ में से हो लड़का होना चाहिए, चाहे वह बकरी में से हो वो लड़का होना चाहिए, लड़का बकरी मतलब बकरा, लड़का भेड़ मतलब मेंढा, उसको बलिदान करना और 14वें दिन तक उसको रखना,
मतलब दसवें दिन को तुम अपना अपना मेमना बकरा या भेड़ ले लेना, मेंढा ले लेना, और उसको दसवां दिन 11, 12 और 13 तीन दिन तक अच्छा खिलाना पिलाना, और 14वें दिन सुबह से तुम संध्या का इंतजार करना, और गौधूली के समय संध्या काल के समय तुमको इस मेंढे को या बकरे को काटना है और उसका लहू अपने घर की चौखट में लगाना है, और इसके बाद उसके मांस को अंदर बाहर नहीं, मंडा लगा के तंबू लगा के नहीं, घर के अंदर चारों तरफ दरवाजे और खिड़कियां बंद करके अंदर उसको आग में भूंज भूंज करके खाना है। इसको कहा अखमीरी रोटी का पर्व। इसको कहा तुम इसमें बिना खमीर की रोटी खाना, कड़वे साग पात के साथ खाना। इसको सिर पैर अतड़ियों समेत खाना, जूता पहन के खाना, कमर बांध के खाना, हाथ में डंडा रख के खाना। 7 संदेश हैं, जितना हो सकेगा विचार करेंगे। अभी ईसाई जाति के लोग घर घर मीटिंग कर रहे हैं भस्म की बुधवार से। आज इसके घर में अलग अलग वक्ता यीशु मसीह के मृत्यु के ऊपर संदेशा दे रहा है। इसको लैंडेस कहते हैं, अर्थात दुख सुख भोग सप्ताह के दिन। हमारे यहां भी बड़ी मीटिंगें चल रही, सारी दुनिया के अंदर में चल रहा है, गुड फ्राइडे तक चलते रहेगा। गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच में जब यीशु मसीह के शरीर को कब्रिस्तान में गाड़ दिया जाएगा, सब मुंह में ताला मार लेंगे, जबकि उसी दिन सबसे डेंजर काम वही हुआ था। शुक्रवार के दिन 12 बजे से 3 बजे तक लोग गुड फ्राइडे में यीशु के द्वारा कही गई 3 वाणियों पर विचार, 7 वाणियों पर विचार करेंगे, और पुनरुत्थान के दिन में बकरा काटेंगे, ठीक है कि नहीं, फिर बॉटल भी खुलेगी। ये ईसाइयों के हाल चाल है। सो अभी हम जिस पड़ाव पर हैं वो यीशु के दुख उठाए जाने के समय के पड़ाव पर है। याद रखिएगा, मिस्र देश से इज़राइलियों को निकालने के बाद, निकालने के समय एक पर्व की नींव डाली गई, और उस पर्व को हम अखमीरी रोटी का पर्व कहते हैं। इस पर्व के द्वारा वह हर साल एक संदेश देना चाहता है। जरा देखिएगा, इसको बोल दें, इसके बाद में 3 मिनट और हो जाएंगे जब तक। सो जरा देखिएगा, 14 पद को पढ़ें, जल्दी से 2-3 पद पढ़ लेंगे, फिर तब तक कांटा खड़ा हो जाएगा। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरे कि तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ी में सदा की विधि जानकर पर्व मना जाए। ठीक है, अब 41 पद में आ जाइए। यहोवा इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल ले आया, इस कारण वह रात उसके नियमित मानने के लिए अति योग्य ठहरे। यह यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी से मानना इज़राइलियों के लिए अति आवश्यक है। 43। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की यह विधि है। ठीक है, तो आपको पर्व मनाना है। 47 पद को देखिएगा, पर्व का मानना इज़राइलियों की सारी मंडली का कर्तव्य है। 13 अध्याय 6वां पद, 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मनाना, इन 7 दिनों में अखमीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में न खमीर की रोटी और न खमीर तुम्हारे में देखने में आए। और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को यह समझा देना
कि यह तो हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे लिए मिस्र से निकलते समय हमारे लिए किया था। फिर तुम्हारे लिए हाथ में एक चिन्हानी होगी और आंख के सामने स्मरण करने वाली वस्तु बिंदिया माथे पर, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह में रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें बलवंत हाथ में से मिस्र में से निकाल लिया है। ये एक पर्व है, अखमीरी रोटी का पर्व। आपको मालूम है, ठीक अखमीरी रोटी के पर्व में ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बात कही थी कि इस सामने वाले गांव में जाना, वहां तुमको एक पुरुष मिलेगा, मटका पानी से भरा हुआ लेके जा रहा होगा, और तुम पीछे पीछे जाना, और जिस घर में वो जाए ना उसी घर में जाना, और उसके मालिक से बोलना कि प्रभु को वह सजी सजाई अटारी बता दे जहां पर वह अखमीरी रोटी का पर्व मनाएगा। याद रखिएगा, और जैसा प्रभु ने कहा था ना वैसा ही हुआ। और जाकर के क्या देखा कि एक आदमी मटका लेके जा रहा है, वो उसी घर में पहुंच गए, घर के स्वामी से कहा, घर के स्वामी ने उनको सजी सजाई अटोरी अटारी दिखा दी। प्रभु यीशु मसीह के पास आए, बोले तैयार है जल्दी से चल, इस पर्व में सबको मेमना बलिदान करना पड़ता है, हर एक व्यक्ति को अखमीरी रोटी का पर्व मनाने के लिए बकरा या मेंढा बलिदान करना पड़ता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी तो कोई बकरे का इंतजाम करना चाहिए था ना। आपके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह गुरु जी, धरती का कोई भी बाइबल स्कूल आपको नहीं समझाएगा। तो मेमना बलिदान करना चाहिए था ना, प्रभु ने अखमीरी रोटी जरूर मंगवा ली, परंतु उसके बाद में उसने अंगूर का रस मंगवाया और उपरोती कोठरी पर बैठ करके वो प्रार्थना करने लगे, चेलों को कहने लगे लो इसे खाओ। समझ में नहीं आता, सारी धरती में लोग मेमने को भूंज भूंज के खा रहे हैं। वो पद्धति अब तक चल रही थी, मूसा की व्यवस्था, मेमने के लहू को कटोरे पर रख करके घर की चौखट में लगाया जा रहा था लिटरली। परंतु यहां तो यीशु मसीह ने अखमीरी रोटी के पर्व में ना मेमना बलिदान किया, ना उसका लहू लगाने की बात की, परंतु उसने रोटी अपने चेलों को देते हुए कहा लो इसे खाओ, और द्राक्षरस देते हुए कहा लो इसे पियो। यह वही अखमीरी रोटी का पर्व है जिस रात परमेश्वर ने मिस्र के बीच में मृत्युदूत भेजे थे, और जिस जिस घर की चौखट में यह लहू लगा था उसके घर के पहलौठों की मृत्यु नहीं हुई, चाहे वे पशु हो, मुर्गी हो, तोता हो, परंतु जिस घर में खून नहीं लगा था वे मौत के निवाले हो गए। आपको जानकारी मिले, उसी अखमीरी रोटी के पर्व में यीशु को भी यदि मूसा की व्यवस्था को पूरा कर रहा है, देखिए यीशु मसीह ने मूसा की व्यवस्था को भूल नहीं गया, परंतु मूसा की व्यवस्था को अपग्रेड कर दिया। उसी दिन, एग्जैक्ट उसी दिन जिस दिन मेमना बलिदान किया जाना था, उसी रात वह प्रभु भोज की विधि को प्रारंभ कर देते हैं। मान के रखिएगा आप, उसने रोटी ली और अपने चेलों को कहा लो ये मेरा बदन है, और द्राक्षरस को कहा ये मेरा लहू है। अब तुमको उस बकरे और मेंढे के खून से नहीं, वरन आज के बाद से 3 दिन, आज 10वां दिन है, 14वें दिन तुम इससे बलिदान होता हुआ देखोगे। वह 3 दिन और 3 रात जैसे नोह जमीन मछली के पेट में था, वैसे ही यीशु मसीह 3 दिन कब्रस्थान के अंदर था। तुमने फ्राइडे के दिन उसको चढ़ाया और रविवार के दिन उतार दिया, निकाल दिया बाहर। फ्राइडे की रात, सैटरडे की रात, तो 2 ही ना रात हुई, एक ही ना दिन हुआ, 1.5 दिन में यीशु मसीह जी उठा था क्या? आपके कैलेंडर को लगे आग। कहने का मतलब यह है, हम संस्कार में इतने अंधे हो गए हैं कि हमको कुछ समझता ही नहीं। मैं कहां हुआ 3 दिन 3 रात, आप ही बताइएगा।
दसवें दिन से लेकर के चौदहवें दिन तक मेमने को रखे रहना, और चौदहवें दिन की गौधुली के समय तुम उसको बलिदान करना और लहू को लगा देना चौदहवें दिन की रात 12 बजे के पहले। बलिदान का मेमना लहू लगा के लगा दिया जाना चाहिए रात के 12 बजे के बाद से लेकर सुबह के 3 बजे तक। मृत्युदूत चलेंगे, याद रखना ये भूतों का रात है। ठीक 12 बजे के पहले यीशु गेतसमनी बाग में चले गए और बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, और चेलों से कहा जागते रहो, 1 घंटे के बाद में आए। 1 बजे प्रभु जी ने कहा, अरे तुम पल भर भी मेरे लिए नहीं जाग सके, मेरा मन व्याकुल है, जागो। फिर जाके प्रार्थना करने लगे। 2 बजे फिर आए और कहने लगे, तुम 1 पल भी मेरे साथ जाग नहीं सके, जागो। फिर गया, सुबह 3 बजे के बाद आया, 3 बजे आया, अब सोते रहो, अब तुमको कहां नींद आएगी, देख सामने वाला पकड़वाना है। ठीक 12 बजे से 3 बजे तक यीशु मसीह के माथे से पसीने के छेद से लहू बह बह करके नीचे गिरने लगा। शुरुआत हो गई है छुटकारे की, याद रखिएगा। मिस्र से निकाले जाने की रात यीशु मसीह गेतसमनी बाग में बैठ के प्रार्थना कर रहा है। 3 दिन के बाद सुक्कोत के जंगल में पहुंचे थे वो, जहां से लाल समुंदर को फटना था बपतिस्मा। चलिए वहां मत जाइए, नहीं उलझ जाइए, घड़ी तेज चल रही आज। कहने का मतलब यह हो गया, उसने मिस्र से निकाला और उन्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाया। 2 लाइन में बोल के कल फिर रिपीट करेंगे, आपके दिमाग में कीड़े चलते रहेंगे, मंथन करते रहना। जब इजरायली अपने ठोर ठिकानों में बैठ गए, जब वे प्रतिज्ञा के देश में चले गए, तब धीरे धीरे वे परमेश्वर के वचन को भूल गए और इजबेल और अहाब, बाल और अशेर की वेदी बना बना करके उन्होंने 450 बाल के पुजारी और 400 अशेर के नबियों को नियुक्त कर लिया, जिसकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इजबेल थी, अहाब उसका पति था। खुदा ने कहा लोग भटक गए, मेरी व्यवस्था से भटक गए, उन्होंने मेरी महिमा बाल और अशेर को दे दिया। ऐसे समय में परमेश्वर ने एलियाह को उस धरती पर जन्मा दिया और कहा कर दे प्रार्थना, ये आकाश बंद हो जाए। एलिया की शुरुआत यहां से होती है, बाकी हम कल देखेंगे। मेरे प्रियो, आपको जानकारी मिले किस शर्त पर परमेश्वर एलियाह को धरती पर भेज रहा है। यदि ये नहीं जाना तो आज के तार में एलियाह की हमको जरूरत क्यों होगी, ये कभी समझ में नहीं आएगा, याद रखिए। यदि आपने इजबेल के कार्यक्रम को नहीं समझा, यदि आपने अहाब की दुष्टता को नहीं समझा, यदि आपने वर्षा बंद होने के सत्य को नहीं जाना, यदि आपने आग गिराए जाने के सत्य को नहीं समझा, यदि आपने वर्षा को फिर से वापस लाने के सत्य को नहीं समझा, तो एलियाह का जो मिशन अंत के दिनों में विनाश के पहले धरती पर आने वाला है ना, वो सत्य हमें कभी समझ में नहीं आने वाला है। ये कोई नई डॉक्ट्रिन नहीं है, परंतु छुपा हुआ वो रहस्य जो सदियों से परमेश्वर ने एलियाह के नाम से छुपा के रखा है, ये तो प्रकाशन की दुनिया को समझने के बाद ही समझ में आएगा। सर एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, जिस कलीसिया ने एलियाह के मिशन का बहिष्कार किया, मौत के फरिश्तों से छुटकारा कोई नहीं दे सकता। आपको जितनी PhD करना है करके बैठिएगा, नहीं तो परमेश्वर का माथा खराब नहीं हो गया है कि विनाश के पहले, सत्यानाश के पहले मैं एलिया नबी को भेजूंगा। तुम परमेश्वर के दिमाग के कोई गुरु नहीं हो जो उससे ज्यादा समझ में आती कि हमको एलिया की आवश्यकता नहीं है। खैर, 2 बात बोलने से तुम मान भी नहीं लीजिएगा, हम तो प्रमाणित करेंगे, 3 दिन और है ना। आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, पिता तेरी महान योजना को समझने के लिए मुझे बुद्धि दे दे,
अखमीरी रोटी के पर्व से आजाद प्रजा प्रतिज्ञा के देश में पहुंच गई तो क्या हुआ, परंतु वे छुटकारा प्राप्त करने के बाद भी तो बाल रशेर की मूरत की पूजा कर रहे थे। अरे उन्होंने 40 साल बिहबान जंगल में मिली जुली भीड़ के चक्कर में बछड़ा बनाया था, तहां तक तो ठीक था, परंतु अब तो वे अपने स्थाई घर में पहुंच गए ना, वहां तो बाल रशेर का जन्म कौन दिया, कहां से आ गया ये बाल, कहां से आ गया ये शेर, के ये छठी भी ने वो लोग नहीं थे जिन्होंने इसी अर्दन को पार करने के बाद में यहोशू के नेतृत्व से उन्होंने प्रतिज्ञा का देश पाया था। अभी उसी अर्दन के पार, उसी अर्दन के पास भी जिसको यहोशू ने वाचा के संदूक को अपने कांधे पर, कांधे याजकों के कांधे पर रखने के बाद, जैसे ही यहोशू की उपस्थिति में वाचक के संदूक की उपस्थिति में यर्दन उल्टी बहने लगी थी, उसी उस पार वाले देश में अशेर क्या कर रही है और बाल क्या कर रहा है, कि आज भी इजबेल कलीसिया के अंदर नहीं है, आज भारत देश के अंदर इजबेल का जो बाल बोल बाला चल रहा है। इसलिए हम अगले पद में देखेंगे इजबेल 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 अहाब अहाब बाल अशेर। 850 पुजारी इजबेल ने हत्या कर दिया, हरेक यहोवा की नबियों की, परंतु यहोशापात ने 50-50 करके अंडरग्राउंड में उन यहोवा के नबियों को छुपा कर खाना और पानी देते रहा, परंतु एलियाह को कंफ्यूजन था कि मैं अकेला बचा हूं। वे 100 यहोवा के पुजारी अंडरग्राउंड में अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, इजबेल 850 बाल और अशेर के पुजारियों के साथ अपने टेबल में भोजन कर रहे हैं। आज भी भारत देश के ऊपर इजबेल का अधिकार है, आज भी कलीसिया के ऊपर इजबेल का अधिकार है। यह भी नहीं आएगा समझ में मेरे प्रियो, दिस इज द प्रोफेसी फॉर द नेशन ऑफ इंडिया। भारत के लिए भविष्यवाणी है, अपने कान खोलें, अपनी आंखें खोलें। यदि तू उठाए जाने के बाद भी मुझे देखता रहे तो ये बागा तेरे लिए वही रास्ता तय करेगा जिस यर्दन को मैंने चादर से फाड़ करके अलग किया था, वही यर्दन एलिशा तुझे भी फाड़ के दो टुकड़े करना है, तब 50 नबी तुझे सलाम ठोकने के लिए मुंह के बल गिर करके तुझे दंडवत करेंगे। पिता परमेश्वर, आज संदेश उलझा हुआ है प्रभु, इसे समझ लेने के लिए हमें प्रकाश दे। हे सनातन परमेश्वर, बहुत आसान चीज है एलिया की चादर, परंतु उसका आज की तार में हमारे लिए क्या काम है, इसको समझ लेने के लिए तेरे खोजियों के दिल दिमाग को दुरुस्त कर दीजिएगा। प्यारे पिताजी, हम में से हर एक कर्ण पटल पर तेल डालिए, हमारे माथे की झिल्ली निकाल दीजिएगा। शाऊल की आंखों से छिलके गिरे, हमारे भी आंखों से जो आत्मिक आंखें हैं उनसे छिलका गिरे, और तेरे दिल की बातें जो इस भारत के विनाश के पहले एक भारी विनाश लीला जो इंतजार कर रही है, एक भयानक विनाश आज भी सारी धरती के ऊपर आने वाला है, इससे पहले कि यह धरती विनाश के गड्ढे पर डाल दी जाए, आप एलियाह की सेवा इस धरती पर देकर माता पिता के मन को पुत्रों की ओर, पुत्रों के मन को माता पिता की ओर फेरने का कार्यक्रम करना चाहते हैं जो एलियाह की चादर में छुपा हुआ है। प्यारे पिताजी, हमारे मन की आंखें खोल देना, हमें ज्ञान प्रकाश की आत्मा देना, जिससे कि हम तेरे दिल की बातें समझकर उस समय का इंतजार करें जो भविष्यवाणी के आधार पर हमारे लिए रखा पड़ा है। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा और आदर और सम्मान देते हैं,
यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।